श्रीनगर के मलेथा में ग्रामीणों के विरोध के बाद 5 में से 4 स्टोन क्रशर बंद करने के फैसले से लोगों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन इस इलाके में पहले से मौजूद 5 स्टोन क्रशर से ग्रामीण किस तरह से परेशान है, देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ों पर कई सुंदर डेस्टिनेशन है, लेकिन अलकनंदा घाटी की बात ही अलग है। यहाँ अलकनंदा के तट सुकून और राहत पहुँचाते हैं। यही वजह है ऋषि मुनियों ने यहाँ तपोस्थल भी बनाए। यही नहीं, कई लोग दुनिया के अलग अलग कोने से यहाँ पहुँचे और इसकी खूबसूरती को देखकर यहीं के होकर रह गए। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इन खूबसूरत घाटियों में कई स्टोन क्रशर चल रहे हैं, जो इलाके के पर्यावरण को दूषित कर रहा है। क्रशर की वजह से हम लोगों को काफी परेशानी होती है यहाँ पे, और इससे धूल उड़ती है, डस्ट उड़ता है, और बच्चों को काफी दिक्कतें होती है पढ़ाई में यहाँ पे। श्रीनगर के करीब मलेथा गांव में सरकार ने 5 स्टोन क्रशर लगाने की इजाजत दी थी। तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े और 5 में से 4 का शासनादेश रद्द किया गया। लेकिन यहाँ जो पहले से 5 स्टोन क्रशर मौजूद हैं, वो नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे हाई स्कूलों में हैं, इंटरों में हैं, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, आज धूल मिट्टी से परेशान है। स्टोन क्रशर नदी से 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, वहीं स्कूल, मंदिर, बस्ती और खेती वाली भूमि से 500 मीटर की दूरी जरूरी है, और इलाके में हरियाली बनाए रखने के लिए हरे पेड़ लगाना नियमों में शामिल है। वहीं स्टोन क्रशर के चारों ओर 15 मीटर ऊंची